कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में सभी को सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है। साथ ही सरकार ने भी सरकारी स्कूलों को न खोलने का आदेश दिया है, लेकिन पंचकुला के सेक्टर 20 के संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को पढ़ाने का मामला सामने आया है। यहाँ स्टूडेंट्स को बुलाकर उनकी पढ़ाई करवाई गई। 6वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राएं स्कूली यूनिफॉर्म में दिखे। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के इस दौर में छात्रों को पढ़ाने के लिए स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके बावजूद सरकारी स्कूल कोविड-19 एडवाइजरी नियमों की धज्जियां उड़ाता नजर आया। हालांकि स्कूल प्रशासन ने इस मामले में अभी भी चुप्पी साधी हुई है। सेक्टर 20 के संस्कृति मॉडल स्कूल में बच्चों को बुलाया गया था। स्कूल बकायदा लगा था, यूनिफॉर्म में बच्चे थे, क्लास में बैठे थे, पढ़ रहे थे। सरकारी स्कूल है, गाइडलाइन तो नहीं है ऐसे कि स्कूल खोले जाएं। मॉडल स्कूल सेक्टर 20 का संस्कृति मॉडल स्कूल ऐसा है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी उनकी वीडियोस भी हैं, स्कूल क्लास में बैठे हुए हैं। क्या है पता करेंगे उनके प्रशासन क्यों आज बुलाया गया है। ऐसा कोई वैसे सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं। संस्कृत पढ़ाते हैं सर। तो आज यहाँ बच्चों को बुलाया गया था क्योंकि कोविड-19 का चल रहा है, उसके दौरान भी जो आपने स्कूल में बच्चों को बुलाया है जी। सर ऐसा है कि बच्चों का SEBC का जो है रिकॉर्ड, उन बच्चों के पैसे डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू उनके अकाउंट्स में जाते हैं। हमारे पास कुछ बच्चों के ऐसे हैं जिनके अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुके हैं सर, ठीक है। तो उन पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स अपने बच्चों को ले आए साथ में, और यूनिफॉर्म में इसलिए आते हैं कि ताकि बच्चा स्कूल में आ रहा है। हमने यहाँ पर रूल रखा हुआ है कि बच्चा जब भी किसी काम से आएगा तो बच्चा यहाँ पर यूनिफॉर्म में आएगा। उन बच्चों के अकाउंट एक्टिवेट करवाने के लिए हमने उनको बुलाया है। कुछ बच्चे ऐसे जो नए SEBC हैं, उनके आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब किसी का नाम कुछ है, फादर नेम कुछ है, एड्रेस कुछ चेंज है, और डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू तब तक पैसा नहीं जाता जब तक सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाएं, तो वो कुछ आए हैं। तो जिस प्रकार से अभी कोरोना का चल रहा है, तो क्या बच्चों को यहाँ बुलाना सेफ है? नहीं, बच्चों को डिस्टेंस पे रख के बुलाया जा रहा है साहब उनको। कितने बच्चे हैं ऐसे जो आज बुलाए गए हैं, जिनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया? पेरेंट्स तो हमने कम से कम 20-30 बुलाए थे साहब, ठीक है ना। कुछ के साथ बच्चे भी आए हैं, और कुछ ऐसा है सर, 10th और प्लस 2 का रिजल्ट आया है, उन बच्चों ने नई जगह एडमिशन्स लेने हैं, तो उनको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए हैं, वो उसके लिए भी आए हैं सर, ठीक है। तो सभी जो कार्य किया जा रहा है आपके उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है इस पर? नहीं, अब करेक्टर सर्टिफिकेट लेने कैसे आएगा बच्चा साहब, अगर किसी को कहीं देना है तो खुद ही लेने आएगा साहब।